वेलकम टू वैदिक कलर्स। मैं वंशिका आज आपके लिए एक और बार एक मज़ेदार स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलिए हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं और इस स्टोरी का टाइटल है आज्ञाकारी शिष्य। एक वन में एक आश्रम था जहाँ पर एक गुरुजी अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश आई तो गुरुजी को लगने लग गया कि कहीं हमारी फसलों में पानी ना भर जाए। उन्होंने अपने एक शिष्य को बोला, तुम जाके देख के आओ कि हमारे फसलों में कहीं पानी तो नहीं भर गया। वो शिष्य गया और उसने देखा कि वहाँ की मेड़ तो थोड़ी सी टूटी हुई थी और वहाँ से पानी धीरे धीरे हमारे फसलों में जा रहा था। वो वहीं पर लेट गया जिससे पानी बहना बंद हो गया। फिर अगली सुबह गुरुजी उठे और वो चौंक गए कि मेरा वो भेजा हुआ शिष्य अभी तक खेतों से क्यों नहीं लौटा। फिर वो अपने दो और शिष्यों के साथ उसको देखने गए। उन्होंने देखा कि ये तो टूटी हुई मेड़ को रोकने के लिए वहीं पर लेट गया है और उसकी नींद लग गई है। फिर उन्होंने उसको उठाया और बोला, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम ही मेरे आज्ञाकारी शिष्य हो। और इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा हमारे टीचर्स की बात माननी चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।